नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विप्राज लर्न एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू सी द लास्ट टॉपिक ऑफ प्लेइंग विथ नंबर्स, दैट इज LCF and LCM। LCF इज हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास दो नंबर्स है जैसे 12 एंड 60। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स ऑफ 12। तो 1 है, 1 बाय डिफॉल्ट हर नंबर का रहता है। फिर 2 भी रहेगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 3 रहेगा क्या? 1 प्लस 2 3, डिविजिबल बाय 3, सो 3 भी रहेगा। 4 भी रहेगा, 3 4 जार 12, सो 4। सो फिर 2 6 जार 12, 6 and 1 12 जार 12, so factors of 12 are 1 2 3 4 6 and 12. अभी निकालते हैं factors of 16, factors of 16। तो 1 रहेगा by default, 2 भी रहेगा क्योंकि even number है, 3 रहेगा क्या? 1 plus 6 is 7, 7 is not divisible by 3, तो 3 नहीं रहेगा। 4 4 4 जार 16, तो 4 रहेगा। फिर 8 8 2 जार 16 and 16 1 जार 16। तो अभी देखते हैं इन दोनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स है। 1 कॉमन है, फिर 2 भी कॉमन है, 3 नहीं है, फिर 4 कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 एंड 4। तो इन तीनों में सबसे बड़ा वाला कौन सा है? 4। सो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं 20 28 एंड 36। तो पहले फैक्टर्स ऑफ 20 निकालते हैं। इक्वल टू 1 रहेगा बाय डिफॉल्ट, फिर 2 भी रहेगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 3 नहीं रहेगा, 2 प्लस 0 इज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 4 5 जार 0, 4 रहेगा, 5 भी रहेगा, 4 5 जार 0, फिर 10 2 जार 0 एंड 20। फिर फैक्टर्स ऑफ 28, 1 रहेगा, 2 भी रहेगा क्योंकि 1 नंबर है, 3 रहेगा क्या? 2 प्लस 8 इज 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 4 7 4 जार 8 4 रहेगा, फिर 5 6 नहीं 7 14 एंड 28। फिर लास्ट फैक्टर्स ऑफ 36, 1 रहेगा, 2 भी रहेगा क्योंकि 1 नंबर है, 3 रहेगा क्या? 3 प्लस 6 इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 4 9 जार 36, फिर 6 भी रहेगा, 6 6 जार 36, 7 8 नहीं, फिर 9 रहेगा, फिर ऐसा आएगा 9 4 जार 36, फिर 12 3 जार 36, 18 2 जार 36 एंड 36। तो अभी इन तीनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 2 एंड 4। फिर ये तो कोई कॉमन नहीं है तीनों में, राइट? सो कॉमन फैक्टर्स हैं 1 2 एंड 4। अभी कॉमन जो फैक्टर है उनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 4। सो 4 इज द HCF ऑफ 20 20 36। इसको इजीली निकालने का और एक तरीका है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 12 लिखेंगे, यहाँ पे 16, और प्राइम नंबर से इन दोनों को डिवाइड करना है, लेकिन उन्हीं प्राइम नंबर से करना है जो दोनों को भी डिवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल, अभी दोनों इवन नंबर है तो 2 से कर सकते हैं, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16। फिर दोनों इवन नंबर है, फिर से 2 से कर सकते हैं, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। फिर इन दोनों को कॉमन प्राइम नंबर से कर सकते हैं क्या? नहीं, राइट? 3 से करेंगे तो सिर्फ इसको जाएगा, 2 से करेंगे तो सिर्फ इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर्स है वो है 2 into 2 2 2 जार 4। सो HCF ऑफ 12 and 16 इज 4। अभी देखते हैं 20 28 और 36 का। 20 28 एंड 36। तीनों इवन नंबर है तो पहले 2 से कर सकते हैं. 2 10s are 20, 2 14s are 28, 2 1s are 2, 2 8s are 16. ओके, फिर से तीनों इवन नंबर है, फिर से 2 से कर सकते हैं. 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 9s are 18. अभी कोई ऐसा प्राइम नंबर है क्या जो तीनों को डिवाइड कर सकता है? 3 3 से सिर्फ इसको कर सकते हैं, 5 5 से इसको, 7 7 से इसको, मतलब नहीं. तो इसका जो HCF है वो है 2 into 2. जितने कॉमन प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन करना है. तो 2 into 2 is 4. सो HCF ऑफ 20, 28 and 36 इज आगे 4. तो HCF के और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे थर्ड वाला 24 and 36. तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे. ओके, 24 and 36. तो दोनों इवन नंबर है तो पहले 2 से करेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, 2 8s are 16. फिर से दोनों इवन नंबर है तो फिर से 2 से करेंगे. 2 6s are 12, 2 9s are 18. अभी ये ऑड नंबर है, ये इवन है तो 2 से नहीं कर सकते, दोनों को डिवाइड होना चाहिए, राइट. तो 3 से देखेंगे, 3 से दोनों को कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो 3 2s are 6, 3 3s are 9. अभी 2 और 3 बचा, दोनों भी प्राइम नंबर है तो ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके. HCF है वो आएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन. ये तीनों कॉमन फैक्टर्स हैं. HCF ऑफ 24 and 36 = 2 into 2 into 3. So 2 2s are 4, 4 3s are 12. So HCF for 24 and 36 is 12. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, HCF ऑफ 8 and 12. So फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे. 8 12, तो दोनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 4s are 8, 2 6s are 12. फिर से दोनों इवन नंबर है, फिर से 2 से करेंगे. 2 2s are 4, 2 3s are 6. सो 2 and 3 दोनों प्राइम नंबर है तो इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, सो हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा. HCF ऑफ 8 and 12 = 2 into 2. 2 2s are 4. So HCF is 4. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 15, 25 और 30 का HCF. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे. 15, 25 and 30. तो ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है तो 2 तो नहीं चलेगा. 3 चलेगा क्या? 3 से इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं, क्योंकि 2 + 5 is 7. 5 से कर सकते हैं तीनों को. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 5 0 है तो यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 हो तो वो डिविजिबल बाय 5 रहता है, राइट. तो 5 से करेंगे. 5 3s are 15, 5 5s are 25, 5 6s are 30. अभी इन तीनों के लिए कॉमन कोई प्राइम फैक्टर है क्या? नहीं है, राइट. 3 से इन दोनों को कर सकते हैं लेकिन 5 को नहीं कर सकते. 5 से इसको कर सकते हैं लेकिन इन दोनों को नहीं कर सकते, मतलब एक ही है कॉमन फैक्टर, दैट इज 5. HCF ऑफ 15, 25 and 30 = क्या आएगा? HCF यहाँ पे ओनली 1 ही प्राइम फैक्टर है, मोर देन 1 नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन का कोई सवाल ही नहीं आता, राइट. डायरेक्टली 5 आ जाएगा. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 12, 16 and 28. 12, 16 and 28. फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे. तीनों इवन नंबर्स है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8. फिर से तीनों इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 7s are 14. अभी इन तीनों के लिए कोई प्राइम नंबर फैक्टर हो सकता है क्या? कॉमन फैक्टर. 2 इसको डिवाइड कर सकता है, इन दोनों को नहीं. 3 सिर्फ इससे, बाकी दोनों को नहीं. 7 से इन दोनों को नहीं, तो बाकी कोई नहीं है कॉमन, राइट. So HCF of 12, 16, 28 इक्वल टू ये जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन 2 into 2, 2 2s are 4. So HCF of 12, 16 and 28 is 4. So we can say that HCF of 2 or more numbers, मतलब जो भी गिवन नंबर है मिनिमम 2 होने चाहिए या मोर देन 2 होने चाहिए, उनका जो HCF होता है दैट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन देम. मतलब तीनों के अगर हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो तीनों में जो कॉमन फैक्टर्स है उनमें से जो हाईएस्ट नंबर रहेगा वो रहेगा उनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग GCD भी बोलते हैं. GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों सेम ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. GCD HCF दोनों सेम ही है, मतलब जो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, हाईएस्ट डिवाइजर विच कैन डिवाइड ऑल गिवन नंबर्स, उसको बोलते हैं GCD या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM. लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या, अगर जो भी गिवन नंबर्स है उनके हम लोग अगर मल्टीपल्स निकालेंगे और उनमें से जो कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, फॉर एग्जांपल 4 और 6 के हमने मल्टीपल्स निकाले, उनमें से कॉमन मल्टीपल्स निकाले, तो जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें से जो लोवेस्ट रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM. तो सपोज 4 के, तो 4 के मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालने हैं हमें. मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स उस गिवन नंबर से कम नहीं हो सकते, राइट. स्टार्टिंग फ्रॉम 4 और टेबल ऑफ 4 लिखना रहता है आगे. सो 4 1 4, 4 2 8, 12 16 20 24 28 32 36 40 एंड सो ऑन. फिर नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 6. तो यहाँ पे भी 6 का टेबल लिखना है. 12 18 24 54 60 एंड सो ऑन. अभी फिर देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है. तो फर्स्ट जो है वो है 12 दोनों में भी है. फिर 24 है दोनों में. फिर 36 है दोनों में भी. फिर 40, यहाँ पे 48 भी रहेगा दोनों में भी कॉमन, और 60 भी रहेगा. कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 क्या आ जाएंगे, ये जो दोनों में कॉमन है. तो फर्स्ट 12 24 36 48 60 एंड सो ऑन. तो जो कॉमन मल्टीपल्स है यहाँ पे क्या बोला है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. लोवेस्ट मतलब जो भी कॉमन मल्टीपल्स आ रहे उसमें से जो लोवेस्ट है वो रहेगा अपना LCM. तो यहाँ पे लोवेस्ट क्या है 12. LCM ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू 12. अभी और एक एग्जाम्पल देखते हैं 12 एंड 18. सो पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 12 निकालेंगे, तो 12 का टेबल लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन. फिर मल्टीपल्स ऑफ 18, सेकंड नंबर 18 है, तो यहाँ पे 18 का टेबल लिखना पड़ेगा. अभी देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है. एक तो 36 है कॉमन, फिर 72 है, और फिर आगे बहुत सारे नंबर्स रहेंगे. तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर फर्स्ट 36, फिर 72, फिर ऐसे सो ऑन. तो ये जो कॉमन मल्टीपल्स है उसमें से सबसे लोएस्ट कौन सा है 36. So LCM of 12 and 18 is 36. तो अभी हमने देखा कि हम मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर निकाल के कैसे LCM निकालते हैं. अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे 4 and 6. तो पहले ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2s 4 2 3s 6. फिर जैसे एचसीएफ के केस में हम लोग सिर्फ कॉमन लेते थे और फिर छोड़ देते थे राइट. अगर इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन प्राइम नंबर नहीं है तो फिर आगे नहीं जाते थे. लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट एलसीएम के केस में करना है. जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता तब तक हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है. जितने भी नंबर से वहाँ पे 1 आना चाहिए. तो ये 2 हो गया. फिर से 2 से कर सकते हैं इसको राइट. तो ये छोड़ देंगे 2 1s 2. ये 3 एज इट इज रखेंगे. फिर इसको 3 से कर सकते हैं. ये 1 एज इट इज रखेंगे. 3 1s 3. तो LCM ऑफ 4 6 इको इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन. इनका LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल रहेगा. जब तक 1 नहीं आता हम लोग प्राइम फैक्टर से उसको डिवाइड करते रहेंगे. तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 2 × 2 × 3. 2 2s 4 4 3s 12. सो LCM ऑफ 4 and 6 इज 12. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 12 and 18 का LCM. 12 18. फिर से प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना है. पहले कॉमन वाले से करना है फिर इंडिविजुअल करना है जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता. तो दोनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2 6s 12. 2 9s 18. फिर ये इवन नंबर है ये ऑड है तो इवन नंबर के लिए 2 से कर सकते हैं. 2 3s 6. 9 एज इट इज रखेंगे. फिर इन दोनों को 3 से कर सकते हैं. 3 1s 3. 3 3s 9. तो यहाँ पे फिर से 3 से कर सकते हैं. ये 1 एज इट इज. 3 1s 3. तो जब तक यहाँ पे 1 नहीं आता हम लोग प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते रहेंगे. तो LCM ऑफ 12 18 इक्वल टू ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है. ओके सो 2 × 2 × 3 × 3. 2 2s 4. 3 3s 9. 4 9s 36. सो LCM ऑफ 12 and 18 इज 36. अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 24 and 90. फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे. 24 90. तो दोनों यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से करेंगे. 2 1s 2. 2 2s 4. फिर 2 4s 8. 2 5s 10. फिर से यहाँ पे इवन नंबर है यहाँ पे ऑड है तो फिर से 2 से करेंगे. 2 6s 12. 45 एज इट इज. फिर से 2 से करेंगे. 2 3s 6. 45 एज इट इज. फिर 3 से करेंगे. यहाँ पे भी कर सकते हैं. 4 + 5 इज 9. तो 3 से करेंगे. 3 1s 3. 3 1s 3 बचा 1. 3 5s 15. फिर से ये 1 एज इट इज अभी नीचे लिखेंगे और 15 को करते जाएंगे. फिर से 3 से कर सकते हैं. 3 5s 15. अभी 3 से नहीं कर सकते फिर 5 नेक्स्ट लेना पड़ेगा. तो 5 1s 5. LCM ऑफ 24 90 इक्वल टू ये जो भी फैक्टर्स आए हैं यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन. 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5. So 2 2s 4. 4 2s 8. 3 3s 9. And ये 5 as it is रखते हैं. 9 8s 72 into 5. 5 2s 10 and 36. 72 into 5 is 360. So answer is 360. So LCM of 24 and 90 is 360. अभी नेक्स्ट देखते हैं 40, 48 और 45 का LCM कैसे निकालते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे. So 40, 48 and 45. पहले 2 से करेंगे क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है, इसको एज इट इज नीचे लिखेंगे. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 45 एज इट इज लिखेंगे. फिर से 2 से करेंगे, ये दोनों इवन नंबर है. 2 10 जा 20, 2 1s 2 2 जा 4 और 45. फिर से 2 से करेंगे क्योंकि ये दोनों इवन नंबर है. 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 45 एज इट इज. फिर ये एक इवन बचा, फिर से 2 से करेंगे. 5 एज इट इज, 2 3 जा 6, 45 एज इट इज. फिर 3 से करेंगे. अभी तो कोई भी इवन नंबर नहीं है, राइट. सो नेक्स्ट प्राइम इज 3. तो 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ 3 है, 4 प्लस 5 इज 9. सो 3 से करेंगे. ये 5 एज इट इज लिखेंगे. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बचा 1, 3 5 जा 15. फिर से 3 से कर सकते हैं. यहाँ पे 1 प्लस 5 इज 6. सो 3 से करेंगे. 5 एज इट इज 1 एज इट इज, 3 5 जा 15. तो अभी यहाँ पे 5 5 बचा, तो लास्ट में 5 से करेंगे. 5 1 जा 5, 1 एज इट इज 5 1 जा 5. तो तीनों जगह पे 1 आ गया. तो LCM ऑफ 40, 48 एंड 45 विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दिस प्राइम फैक्टर्स. LCM of 40, 48 and 45 equal to, इनका मल्टीप्लिकेशन 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. सो पहले इनका करेंगे, इन दोनों का और इसका. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 और ये 5 एज इट इज. So equal to 16 into 9 5 जा 45. तो अभी इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 16 और 45, 720, 720. LCM of 40, 48 and 45 is 720. तो आज हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हम लोग LCF कैसे निकालते हैं. LCF के केस में जो कॉमन प्राइम फैक्टर जो सब नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, किसी एक को नहीं, सबको उसने करना चाहिए, उतने ही प्राइम फैक्टर्स लेते हैं हम लोग. और जब सब नंबर्स को वो डिवाइड नहीं कर पाएगा वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, राइट. सारे प्राइम फैक्टर्स ट्राई करके जो भी आएगा उसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं. LCM के केस में प्राइम फैक्टर से ही करना है, पहले कॉमन सबके लिए करना है. अगर कॉमन नहीं है तो जितने भी नंबर्स को कर पा रहे हैं उनको ऐसे डिवाइड करते जाना है और जो यहाँ पे आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन वो रहता है LCM. आई होप आपको ये HCF और LCM का कंसेप्ट समझ में आया रहेगा. और आप थोड़ा जो भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं उनको मेनली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ट्राई करना फॉर बोथ HCF एंड LCM. और अगर आपको आज का मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.